आज हम बनाने वाले हैं जायंट साइज में डेजी फ्लावर, जो हमारे घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुगाड़ विद मी, मैं हूं रिजवाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेजी फ्लावर बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कैनवस का। ये कैनवस आपको कोई भी शॉप पर आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। इसको आप बोल सकते हो जो हम इजार में बॉटम साइड में यूज करते हैं ना, वो वाला कैनवस। ये हार्ड रहता है तो ये हमें काफी मदद करेगा। इसकी जगह हम क्रेप पेपर भी यूज कर सकते हैं। और हमें यूज करना है यहाँ पर ये वायर। वायर भी आपको बड़े आसानी से अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से 8 लीव्स कट कर लेने हैं एंड ये वायर को हम स्टिक कर देंगे लीव्स के ऊपर ग्लू गन की मदद से। इसी तरीके से मैंने 8 या 9 पीस बनाए हैं। और ये लीव्स की साइज मैटर नहीं करती, जो साइज आपको चाहिए आप उस साइज में बना लेना। सेंटर वाला पार्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्पंज का एंड ये प्लास्टिक वाली कैरी बैग जो हर घर में अवेलेबल रहती है, हम उसी चीज का यूज करने वाले हैं। इस तरीके से आपको कट कर लेना है कैरी बैग को। और किस तरीके से आपको सेंटर वाला पार्ट बनाना है ये आप देखते रहिए वीडियो में, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए सब कुछ। एंड ये जो हमने डेजी फ्लावर बनाया है ना, इतना प्यारा लग रहा है, आप देखोगे लास्ट में वीडियो में, बहुत मतलब दिल खुश हो गया देखकर। और इतना अच्छा डेकोर पीस भी हमारा रेडी हो चुका है सस्ती चीजों से। एंड यहाँ पर मैंने लिया है वायर का छोटा वाला पीस, इसमें हम जो हमने स्पंज कट किया उसको लगा देंगे ग्लू गन की मदद से स्टिक करके। एंड जो हमने कैरी बैग से फ्लावर कट किया है उसको भी हम स्टिक कर देंगे। और ये हमारा सेंटर वाला पार्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बड़े आसान तरीके से। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरी लास्ट वाली वीडियो पे आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया, जजाक अल्लाह। और इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना मुझे। एंड इस तरीके से हमने सेंटर पार्ट बना लिया है। एंड ये जो हमने लीव्स कट किए हैं उसके बैक साइड में हम वायर को फोल्ड कर देंगे। एंड सबसे पहले हम इसको स्टिक करते जाएंगे ताकि एक सेटिंग बैठे हमारे फ्लावर की। इसके लिए हम मास्किंग टेप का यूज करेंगे एंड देन मास्किंग टेप से स्टिक करने के बाद हम इसको वायर से अच्छे तरीके से फिट कर देंगे, सेट कर देंगे, ताकि ये निकले ना और हिले भी ना। इसी तरीके से हम सब कुछ स्टिक करते जाएंगे मास्किंग टेप की मदद से फ्लावर के शेप में। एंड लास्ट में हम इसको सिक्योर करने के लिए हम वायर का यूज करेंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए और बिल्कुल भी हिले डुले ना, अपनी जगह पर मस्त बने रहे। और लास्ट में हम स्टिक कर देंगे ग्लू गन की मदद से, ताकि कोई भी चांस ना रहे इसको बिगड़ने का और हिलने का। एंड इसको हम मोड़ देंगे इस तरीके से ताकि 3D लुक क्रिएट हो जाए हमारे फ्लावर में। एंड इसी तरीके से मैंने 2 और बनाए हैं डेजी फ्लावर। एंड यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ बैक साइड का नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ट्री ब्रांच का, ये मेरे पास रखी हुई थी। एंड यहाँ पर मैं लिया है सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छे से पेस्ट बनाकर हम इस ट्री ब्रांच को उसके अंदर सेट कर देंगे। अब इस फ्लावर के बैक साइड में हम लगाने के लिए, ताकि ग्रीन रहता है ना बैक साइड में, तो मैंने यहाँ पर कर्टन को कट कर लिया है इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में। एंड इसके हम राउंड राउंड में पूरा लगाते जाएंगे। और यही वाला प्रोसेस हम करने वाले हैं हमारे जो हमने ट्री ब्रांच लगाए हैं उसके ऊपर भी हम सेम करने वाले हैं। इस तरीके से मैंने 3 फ्लावर बनाए हैं और इस तरीके से सेम प्रोसेस हमें कर लेना है। बस तो हमारा ये जायंट साइज का डेजी फ्लावर रेडी हो चुका है। सो आपको ये आइडिया कैसा लगा, मेरा ये जुगाड़ कैसा लगा? हम चाहे इसको पेपर से भी बना सकते थे,
बट हम पेपर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने कैनवस का यूज किया है। आपको ये आइडिया, ये जुगाड़ कैसा लग रहा है, एंड लास्ट में इसका लुक देखना ना भूलना। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए देखते हैं वीडियो का फाइनल लुक, और आपको ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में।